प्यार होना या किसी के प्यार में पड़ जाना जिंदगी का बेहद हसीन अनुभव है, मगर कभी कभी प्यार के रास्ते पर चलने वालों को बेवफाई की ठोकरें खानी ही पड़ती है। टीवी सीरियल छोटी बहू रुबीना दलाल के जीवन में कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। यही टीवी सीरियल था जिसने टीवी इंडस्ट्री में रुबीना को पहचान बनाने में मदद की थी, और यही टीवी सेट था जहां पर रुबीना ने अपना दिल अपने कोस्टार अविनाश सचदेवा को दे दिया था। बता दें, अविनाश से रुबीना की पहली मुलाकात टीवी सीरियल छोटी बहू पर हुई। बता दें, टीवी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा काफी दिन तक रही थी कि रुबीना और अविनाश ने गुपचुप शादी कर ली है, मगर दोनों ने ही इस बात को खारिज कर दिया। मगर ये बात सच है कि अविनाश और रुबीना एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि अविनाश ने तो रुबीना के दादाजी से रुबीना का हाथ तक मांग लिया था। लेकिन शादी जैसे बड़े रिश्ते को निभाने के लिए पहले दोनों को ही एक मुकाम हासिल करना होता है। टीवी सीरियल छोटी बहू के खत्म होने के बाद दोनों के प्यार में एक दूसरे के लिए कोई कमी नहीं आई, मगर नए काम और नए लोगों के साथ घुलने मिलने के कारण दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। वहीं डांस रियलिटी शो नच बलिए में जब अविनाश ने हिस्सा लिया था, तब शो की जज रवीना टंडन ने उनसे पूछा था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण उनका रुबीना से ब्रेकअप हो गया था। इस पर अविनाश ने कहा, हम दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत ही अधिक इनसिक्योर थे और एक दूसरे को जरा भी पर्सनल स्पेस नहीं देते थे, और हमारा ब्रेकअप इसकी वजह बना। मगर जब अविनाश और रुबीना का ब्रेकअप हुआ था, तब इस बात की काफी चर्चा थी कि अविनाश अपनी कोस्टार शालमली देसाई के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों ही एक साथ टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दू में काम करते थे। वहीं जब ये बात रुबीना को पता चली तो रुबीना और अविनाश का झगड़ा होने लगा। बस यही कारण था कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में रुबीना ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ये रिश्ता खत्म ना होता तो शायद मुझे दूसरे रिश्ते की खूबसूरती का कभी एहसास ना होता। अविनाश के साथ हुए ब्रेकअप ने मुझे काफी मजबूत बना दिया। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।